अस्सलाम वालेकुम, फ्रीडम सम्राट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मेरे साथ मौजूद हैं 33 वार्ड नंबर के कॉर्पोरेटर साहब, जो अभी भी इंतखाबात में जीत हासिल कर चुके हैं, इमरान यलगार साहब। आइए, इस खुशी में वो आवाम से क्या कहना चाहते हैं और लोगों की क्या खुशी हुई वो इंशाल्लाह अपनी ज़बान से बताएंगे। वालेकुम अस्सलाम, इमरान यलगार बोल के, जो हुबली धारोड़ी के अंदर जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो इलेक्शन हुआ था उसके अंदर 33 का जो उम्मीदवार था मैं, जो अल्लाह के करम से जो पूरी आवाम पूरी साथ देने के बावजूद 5000 वोट आज मुझे डाले, 3200 लीड के साथ आज मैं वार्ड नंबर 33 का जो महानगर पालिका का सदस्य बना हूँ, जो इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर 82 वार्ड के अंदर जो हमारा वार्ड 33 एक मादरी वार्ड होने के मेरे एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है। इंशाल्लाह पूरी एक ताकत लगा के मैं पूरे वार्ड के अंदर जो डेवलपमेंट के काम के लिए, जो खास करके जो भी हमारे बुज़ुर्ग जो पहले कॉर्पोरेटर थे, जो उनसे भी सजेशन लेके, जो खास करके जो बशीर गुड़माल साहब भी बैठे, जो थोड़े पापा 140 वोटों से सिर्फ डिफीट हो गए, जो खास कर उनसे भी मैं आज मिलकर और किस तरह हमें जो कॉर्पोरेशन में काम करना क्या है, क्या हालत कॉर्पोरेशन, किस तरह हमें जो सजेशन लेने के लिए भी मैं खास करके इनके पास पहुँचा हूँ। इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर अभी बहुत सारे सीनियर्स हमारे कॉर्पोरेटर्स उनका सजेशन लेते हुए मैं वार्ड नंबर 33 का एक डेवलपमेंट, एक मादरी वार्ड, एक 82 वार्ड से अलग हट के एक वार्ड बनाना चाहता हूँ। और बहुत सारे हमारे आनंद नगर के अंदर गरीब मल्ला जो खास करके हमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का हर स्कीम भी हर घर घर तक पहुंचाने की मेरी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है, इंशाल्लाह मैं उसके अंदर करके रहता हूं। हर कोई सर आने से पहले जो है बहुत सारे वादे करते हैं सर, इसी तरह आपका भी वादा या सच होगा या आवाम को भरोसे के लिए आपने ये बात कहा है, ये थोड़ा आप क्लियर कर दीजिए सर। क्या है, अल्लाह 2013 के अंदर जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था मैं, जो कांग्रेस का ही उम्मीदवार था मैं, थोड़े वोटों से मैं इलेक्शन हारा था। जो इलेक्शन हारने के बाद 2013 से 2021 तक भी मैं हर दिन मैं मेरा काम किया हूँ वार्ड के अंदर, जो आज आवाम कभी भी 14 साल 6 महीने से भी आज बीजेपी का गढ़ था, जो आनंद नगर हमारा जो वार्ड नंबर 33 आज 3200 लीड से छीन के आया हूँ, तो मैं बिना अवधि के रहने के बाद भी मैं काम किया हूँ मैं, उसके लिए इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों के अंदर जो भी मैं प्रचार के टाइम में मैं जो वादे जो जो दिए थे वो इंशाल्लाह मैं पूरे बिल्कुल मैं वो मुकम्मल मैं काम करना चाहता हूँ। अभी भी ये भी सुना गया है सर कि अगर कांग्रेस पार्टी के और बहुत सारे नुमाइंदे आते तो आपको मेयर टिकट मिल जाती थी, ये भी कहाँ तक ये है सर? इंशाल्लाह वो अभी हमारा 33 स्कोर रहने के बावजूद वो अभी अभी थोड़े 3-4 हमारे आ गए थे, तो अल्लाह का करम है 40-45 हमारे हो जाते थे, ओ वर्क रहने की वजह से माइनॉरिटी को देना बोल के आज हमारी पूरे अवाम और बाद में हमारे माइनॉरिटी लीडर्स का आवाज़ है। इंशाल्लाह हो सकता था लेकिन कैंडिडेट के लिए इंशाल्लाह वो जो उन्होंने जो बता रहे थे हमारे सीनियर्स ने कैंडिडेट बनेंगे इंशाल्लाह तुम ना को कर बोल के मेयर का, इंशाल्लाह मेयर का कैंडिडेट बनता हूँ तो देखेंगे इंशाल्लाह कुछ क्या कर सकते हैं। हमारे सामने मौजूद हैं बशीर अहमद गुड़माल साहब, जो एक्स कॉर्पोरेटर हैं, देखेंगे उनकी भी क्या खुशी का आलम है इस मौके पर और ये भी क्या अवाम को जो है एक पैगाम देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बशीर गुड़माल है। मैं इमरान भाई जो मेरे वार्ड को आके मुझे मिले, अभी मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने पूछे सजेशन पूछे मुझे कैसा करना करके, मैं उनको थोड़े पॉइंट्स बताता हूँ। और सेकंड है, जो हमारे मोहल्ले में जो हमारे लोगों को मैं क्या गलती किया मेरे को तो मालूम नहीं, मैं तो हर कौम के साथ दिया, मैं हर जात के साथ ठहरा था, कोरोना में हो या लॉकडाउन में हो सबको मदद किया था मैं। और उसके बाद जो इलेक्शन के दौरान जो एक गंदी सियासत चली गई मेरे ऊपर के गैर लोगों ने दूसरे लोगों ने जो उनको हमारे लोग को मदद करके ठहरा करिए मुझे हराने के लिए, मैं समझता हूँ इस तरह के गंदी सियासत नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर आने की सीट क्लियर थी, जो हिंदू भाई 1 सीट क्लियर किए थे, मुझे सौजी समाज ने मराठा समाज ने बुला के क्लियर किए थे, आप काम किए आपको वोट देते हैं बोल के बोले थे,
और इस तरह हमारे जो नारायण सोपिया मोहम्मद नगर जो मैदरवाणी जो भारवाड़ा के जो लोग है वो सभी ने देतों करके वादा किए थे, सभी ने दिए। थोड़े लोग मेरे को क्या वो क्या परेशानी आती उनको मुझे मालूम नहीं, वो मुझे सामने का कैंडिडेट तो खाली हराना करके दिमाग में था, वो हराने की कोशिश में लगे थे। मैं समझता हूँ मेरी मैं जो वोट से हारा हूँ वो बड़े वोट नहीं, मेरी मैं अपने आप को जीत समझता हूँ। मैं आने वाले दिनों में मैं और काम करूँगा, लोगों के दिल का लोगों को भरोसा दिलाऊँगा कि मैं गलत आदमी नहीं सही आदमी करके मैं दिला के आने वाले दिनों में मैं उनका साथ दे के गली मोहल्ले का साथ दे के मैं इलेक्शन में जीत के आऊँगा करके मैं भरोसा। इसी तरह सर आपने जो बात किया था इलेक्शन से पहले आपकी जो इंटरव्यू हुई थी तो आपने कहा था कि अगर मैं जीत के नहीं भी आऊँ तो जितने भी कॉर्पोरेटर्स हैं अगर उनको मैं गाइड करूंगा आप समझाऊंगा तो आप जो है इस तरह भी निभा रहे हैं और जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको अभी उतना मालूम नहीं है तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो मेरे साथ है अभी इमरान है और बहुत से लोग हैं, मैं जो मेरे पास आएंगे मैं उनको सबको गाइड करूंगा। जो कॉर्पोरेशन का हालात बहुत ख़राब है वहाँ पर मुद्दे आते हैं दबाए जाते हैं वो मुद्दों को कैसे उठाया जाएगा हमें बताएंगे। जो अब जो कि मेरे साथ मेरे भाई जो चुन के आए कौन भी होंगे जितने लोग चुन के आए मैं सबको मैं गाइड करूंगा जो मेरे पास आएंगे। मैं नहीं आए तो मैं उनको जाके बताऊंगा क्यों किस तरह ये कॉर्पोरेशन में जद्दोजहद करना चाहिए, क्योंकि मुद्दों को दबा के दूसरे मुद्दे उठाते हैं वहाँ वो मुद्दे के टाइम पर लोग साथ में सामने हमारे जो लास्ट टाइम जो देखे हैं मैं जब मुद्दा उठता है तो वो टाइम पर लोगों को बाथरूम को जाने का आता है और कहीं पे पेशाब को उड़ के जाते हैं कहीं कुछ ना कुछ बहाना लगा के चले जाते हैं तो हमारे मुद्दे पेंडिंग रह जाते थे हर बार। तो उस तरह ये बार नहीं होते क्योंकि इमरान इलगार है और जो बीए कॉर्पोरेटर है इलियास मनियार जो उनको भी आइडिया है उन्होंने भी कॉर्पोरेशन के पहलिया जीत के आए थे उनको भी आइडिया है इसमें किस तरह करना करके। जो नवे नवे कॉर्पोरेटर्स हैं चुन के आई मैं मुश्ताक मुदगल होंगे करटगी होंगे को और सलीम होंगे मैं हर एक लोगों को मैं अपना सजेशन बताऊंगा मैं किस तरह काम किया हूं जिस तरह मैं वार्ड में जो नाम था मेरा वो उस तरह मैं बताऊंगा। आने वाले दिनों में पब्लिक का साथ दे तो आपका पब्लिक साथ देती करके मैं ये कहना चाहता हूं। आपका ये कहना है कि पहले से अच्छे नुमाइंदे अब आए हैं? नहीं, पहले से अच्छे नुमाइंदे भी आए हैं, पहले से अच्छे काम करने वाले भी आए हैं। तो मैं आने वाले दिनों में मैं सबसे गुजारिश करता हूं जो आपको अल्लाह ने जो मौका दिया तो आपने अच्छा खिदमत करो, लोगों का साथ दो, आपको लोग साथ देंगे तो आपका आप भरपूर साथ दे लोगों को साथ देंगे तो आपका साथ लोग देंगे। अगर मैं मेरे ये गुजारिश है।